राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भोपार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी, उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भोपार हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है, और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने, और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भूल गए उनके पाप तमाम, परम पद अंत में पाए। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। वीर हनुमान जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है, जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। है उनके दिल में बसे श्री राम, वो सीना फाड़ दिखलाए। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठि यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में घील लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या माँ ध्यान लगाए, पुत्र रूप में राम को पाए। अवध में जन्म लिए श्री राम जो पावन धाम कहलाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुनके भगवान विष्णु प्रभु श्रीराम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी, जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो राम था। तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। महर्षि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला पड़ा उनका नाम। अंत में दर्श दिए श्री राम, रामायण उनसे लिखवाए। Oh, oh, oh.
राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नल नील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नल नील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान, आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शिला पे लिख दिया श्री राम, वो पत्थर डूब ना पाए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था। फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम। भगत के वश में हुए भगवान, वो जूठे बेर भी खाए।